मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी जो बीएड सेकंड ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की जो क्लास है, इसमें हमने सामुदायिक जो संसाधन है, उन सामुदायिक संसाधनों का अर्थ, उसकी परिभाषा और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो सामुदायिक संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं, उन साधनों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। अब आज हम इस वीडियो में सामुदायिक संसाधन जो है उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। सामुदायिक संसाधन की उपयोगिता। यानी सामुदायिक जो संसाधन है इनकी क्या उपयोगिता है। समुदाय भी विद्यालयों की स्थापना करते हैं। समुदाय जो होते हैं वह विद्यालयों की स्थापना करते हैं और उनका संचालन करते हैं, क्योंकि विद्यालय जो है वह समुदाय से अलग नहीं होते हैं। इसलिए समुदाय विद्यालयों की स्थापना करते हैं और उनका संचालन भी करते हैं। और इस प्रकार से राज्यों के जो शैक्षिक कार्य है, उन शैक्षिक कार्यों में समुदाय भी सहायता करते हैं। विद्यालय चाहे सरकार द्वारा स्थापित हो या समुदाय द्वारा, वे अपना कार्य तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक उन्हें परिवार और समुदायों का सहयोग प्राप्त नहीं हो। सही बात है कि विद्यालय जो है, जब तक उनको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, चाहे परिवार हो, चाहे समुदाय हो, चाहे समाज हो या फिर सरकार का हो, तब तक वह बिना सहयोग के अपना कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। उन्हें समुदाय से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और जब विद्यालय और समुदाय में सामंजस्य नहीं होता है, तब तक बच्चे आचरण की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। सही है, यानी समुदाय और विद्यालय के मध्य यदि ठीक प्रकार से सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तब तक विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करेंगे, आचरण की जो शिक्षा है, नैतिक जो शिक्षा है, वह उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए समुदाय और विद्यालय के मध्य सामंजस्य स्थापित होना आवश्यक है। अब हम इसकी उपयोगिता के बारे में देखते हैं कि ये जो सामुदायिक संसाधन है इनकी क्या उपयोगिता है। सबसे पहले है स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी जो सामुदायिक जो संसाधन है, यह स्थानीय स्थान उस स्थान की जो आवश्यकताएं है, उन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा की पाठ्यचर्या लचीली बनाई गई है। उसमें कुछ विषयों, उद्योगों एवं क्रियाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं को अर्थात समुदाय की मांगों के अनुसार किया जाता है। विद्यालयों को समुदाय की मांग के अनुसार इनका चयन करना चाहिए। उस स्थिति में विद्यालय समुदाय एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। यानी जब लोकतंत्रीय हमारा जो भारत है, इसमें जो शिक्षा की पाठ्यचर्या रची गई है वह लचीली रची गई है, तथा यह माना गया है कि इसमें कुछ ऐसे विषय, उद्योग और क्रियाओं का चयन कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, यानी समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार उनको पूरा किया जाता है। अब जब उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों की को शिक्षा दी जाएगी, उद्योगों से संबंधित शिक्षा दी जाएगी, कुछ ऐसे विषय शामिल किए जाएंगे जिससे कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, तो उनके आधार पर समुदाय और विद्यालय एक दूसरे के आपस में निकट आएंगे और अच्छे संबंध स्थापित होंगे। उसके बाद है विशेषज्ञों का सहयोग। इसके आधार पर सभी समुदाय में पाठ्य विषयों है और क्रियाओं से संबंधित ज्ञान में दक्षता रखने वाले सदस्य होते हैं। यानी
समुदाय और जो समुदाय खुद हमारा जो समुदाय है उस समुदाय में विषय विशेषज्ञ होते हैं, पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान रखने वाले होते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से संबंधित दक्षता रखते हैं और विद्यालय को समय से अब उनको विद्यालय को यह होना चाहिए कि उनको समय समय पर आमंत्रित करें और उनके ज्ञान का लाभ उठाए, इससे व्याख्यान करवाए, बच्चों के सामने बुलाए, बच्चों से बातचीत करवाए। तो ये सब करने से, चर्चा करने से, आपस में विशेषज्ञों को बुलाने से विद्यालय में समुदाय और विद्यालय आपस में निकट आएंगे और इसकी उपयोगिता साबित होगी। उसके बाद है पाठ्य सहकर्मी क्रियाओं में विशेषज्ञों का सहयोग। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विशेषज्ञों का सहयोग। सभी समुदायों में खेलकूद विशेषज्ञ, साहित्यक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में दक्षता एवं रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई खेल में माहिर होता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में माहिर होता है, कोई अन्य प्रकार की क्रियाओं में माहिर होता है या विख्यात होता है। इन्हें विद्यालय समितियों के सदस्य बनाना चाहिए और उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए तथा इनकी योग्यता और इनमें जो दक्षता होती है उस योग्यता तथा दक्षता का विद्यालयों को लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि विद्यालय और समुदाय जो है आपस में एक दूसरे के निकट आते हैं। उसके बाद है सामुदायिक आयोजनों में विद्यालयों का सहयोग। सामुदायिक आयोजनों में विद्यालय का सहयोग, यानी समुदाय द्वारा जो आयोजित विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है, खेलकूद है, साहित्यिक है, सांस्कृतिक है और अन्य जो उत्सव होते हैं विद्यालय में, उसमें समुदाय को सहयोग करना चाहिए और विद्यालय वालों को यह होना चाहिए कि वह समुदाय का सहयोग लेते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन करें और समुदाय से संबंधित जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उन व्यक्तियों को आमंत्रित करना विद्यालय में। उसके बाद है समाज सेवा। समाज सेवा यानी समुदाय को जब विद्यालय समुदाय को जो विश्वास हो जाता है कि विद्यालय समुदाय के हित के कार्य करता है तब विद्यालयों का सहयोग अवश्य करना चाहिए। जब समुदाय को विश्वास होता है कि विद्यालय जो है वह समुदाय के हितों के कार्य करता है तो समुदाय को यह होना चाहिए कि वह विद्यालय से संबंधित जो आवश्यक कार्य है उनमें मदद करे और उनका सहयोग करे। उसके बाद है समुदाय के विद्यालय भवन और खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी समुदाय को जो विद्यालय भवन है, खेल के मैदान है, इन सब की व्यवस्था करवानी चाहिए। फिर है समुदाय को जैसे पुस्तकालय है, वाचनालय है, इन सब की सुविधा प्रदान करना जिससे कि सभी के लिए सुविधा प्राप्त हो सके। उसके बाद है विद्यालय में समुदाय द्वारा रेडियो, टीवी आदि की सुविधा प्रदान करना जिससे कि विद्यार्थी इनके माध्यम से नवीन ज्ञान से जुड़ सके। फिर है विद्यालय के अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठता, यानी विद्यालय के जो अधिकारी हैं उनको कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए समुदाय के प्रति, यानी समुदाय से संबंधित जो कार्य है उन कार्यों में आगे होकर भाग ले। तो इस प्रकार से सामुदायिक संसाधन है, इन सामुदायिक संसाधनों की उपयोगिता को हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये सामुदायिक संसाधन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अब आज का आपका गृह कार्य,
सामुदायिक संसाधनों की उपयोगिता बताइए। धन्यवाद।